अब सबका वेट हुआ खत्म, क्योंकि 4 साल के बाद अब शाहरुख खान ला चुके हैं अपनी नई मूवी पठान, और अब ये मूवी अमेजोन प्राइम पे भी अवेलेबल है, तो आप अभी जरूर जाके देखिएगा ये मूवी। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि OTT के लिए इसमें कुछ ऐसे सीन्स ऐड करे गए हैं जो कि सिर्फ OTT वॉचर्स के लिए ही गए, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कौन से सीन्स हैं। बट उससे पहले मैं आपको मूवी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि इस मूवी में फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ थ्रिल, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि शाहरुख खान की एंट्री। शाहरुख खान की एंट्री इतनी अच्छी है कि आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। कहीं पे भी बोर नहीं है मूवी में, हर जगह एक्शन भरपूर दे रखा है, तो आप कहीं पे भी बोर नहीं होंगे। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर मूवी आपको स्लो होती हुई दिखे या फिर ऐसा दिखेगा कि मूवी में कुछ थ्रिल नहीं है। तो इसमें हीरो तो अच्छे हैं ही, बट एज अ विलन जॉन अब्राहम की एंट्री भी बहुत अच्छी है और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मूवी एक स्पाई के ऊपर बेस है जो कि अपने देश से गद्दारी कर देता है, और शाहरुख खान जो कि हमारे कंट्री के एक अच्छे स्पाई हैं, और उस स्पाई को रोकने के लिए जाते हैं, और कैसे उस एजेंट को रोकते हैं, इन दोनों को छोड़ के सलमान खान की एंट्री है। और उस एंट्री में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप वो सीन देखेंगे तो जो सीन इतना अच्छा लगा है कि मैं उस सीन को बार बार देख सकता हूँ। तो अगर आपको वो सीन अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे चलते हुए मूवी में ऐसे सीन्स भी आते हैं जबकि आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब आगे क्या, एक ऐसी क्यूरियोसिटी क्रिएट होती जाती है, ये देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। बट मूवी में जो एडिशनल सीन्स जो सिर्फ OTT के लिए करे गए हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि पहला सीन्स है जिसमें शाहरुख खान की एंट्री होती है एक बैडास लुक के साथ, जिसमें वो एक प्लान बनाते हैं। ये सीन मूवी में नहीं था बट OTT के लिए स्पेशली इंक्लूड करा गया है। दूसरा सीन है दीपिका पादुकोण को जो एक इंटरोगेशन करी जाती है, जिसमें वो कुछ ऐसी बातें बताती हैं, वो भी नहीं था मूवी में, एक्चुअल मूवी में वो नहीं था, बट OTT के लिए इसे ऐड करा गया है। और एक और सीन है जिसमें शाहरुख खान को इंटरोगेट करा जा रहा है दूसरी विलन की पार्टी के थ्रू, बट ये सीन भी मूवी में नहीं था, बट OTT वालों के लिए इसलिए ऐड करा गया जिससे कि ये क्यूरियोसिटी बढ़ी रहे और लोगों को देखने में मज़ा आए और वो मूवी से करें। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा, और ऐसे ही रिव्यूज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस लाऊँगा। तो चलते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।